अब ये डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रिलेशन, यानी कि बोल सकते हैं कि हम पहले ही बता चुके हैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम पहले लाएंगे और थ्योरी किसी भी एक्सरसाइज का पहले लाएंगे थ्योरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उससे पहले इसका थ्योरी लेंगे। थ्योरी चलते हैं, तो पहला हम लोग टॉपिक्स लिए हुए हैं टाइप ऑफ रिलेशन, कितने तरह के होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए तीन तरह के होते हैं। पहला का नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरे का नाम है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरे का नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तीन तरह का रिलेशन होता है। चलिए डिस्कस करते हैं, तो तीनों को हम लोग फटाफट, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में यही तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला हुआ रिफ्लेक्सिव, दूसरा हुआ सिमेट्रिक, तीसरा हुआ ट्रांजिटिव। अब हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे समझते हैं। ए रिलेशन इज सेड टू बी, सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ A is related to A, that is ARA. Next क्या बोल सकते हैं, A relation is said to be symmetric. If A or B to B are A. Next is transitive. A relation is said to be transitive. If A or B and B or C is to A or C. समझते हैं reflexive relation. A relation is said to be reflexive if A is related to A. देखिए तीन फॉर्मूले हैं reflexive का, symmetric का, transitive का। reflexive होगा तो उसका rules याद रख लीजिए कि A related to A होना चाहिए, यानी खुद खुद से relation बनाएगा उसको बोलेंगे reflexive relation. जब ए आर बी से बी आर ए, अगर कोई रिलेशन ए से बी है और इसी को, इसका मतलब हुआ कि इससे ये हो रहा है, यानी कि ए आर बी से बी आर ए मिलना चाहिए, यानी कि ए बी से रिलेशन है तो बी अगर ए से रिलेशनशिप बनाता है और दोनों अगर सेम हो जाता है उसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। यानी कि रिफ्लेक्सिव का फार्मूला है ए आर ए, A related to A, and symmetric का फॉर्मूला है A R B to B R A. A R B से रिलेशन होना चाहिए related to B related to A. ट्रांजिटिव का फॉर्मूला है A relation is said to be transitive. A R B और B R C, देखिए ये चीजें A B से related है और B C से related है, तो ये दोनों के रिजल्ट से हमें A related to C मिलना चाहिए, यानी कि A related to B है, B related to C है, इससे हमको चाहिए A related to C. अगर बाय द वे ऐसा हो जाता है कि A related to B है, B related to C है और ये दोनों को मिलाकर हम A related to C प्राप्त कर लेते हैं, तो मेरे को पता चल जाता है कि वो ट्रांजिटिव है। और एक तीसरा का नाम है, नोट में उसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये अलग टाइप का नहीं है, हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन में होता क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए एंड ट्रांजिटिव भी हो जाए। देखिए एक नया नाम आया इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, तो जो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, यानी कि तीनों का तीनों राइट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि सर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो क्या उसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंस, तो नो, कभी नहीं। इक्विवेलेंस मैंने बार बार बोला कि तीनों का तीनों ट्रू होना चाहिए,
सो इक्विवेलेंस रिलेशन कोई अलग टाइप का रिलेशन नहीं है, यही तीनों अगर प्रूफ होता है तो उसकी बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपने तीन फॉर्मूले को रटा, कौन सा रिफ्लेक्सिव के लिए ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए ए आर बी सिर्फ बी आर ए होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए ए आर बी और बी आर सी दोनों को मिलाकर ए आर सी होना चाहिए, और एक नया नाम आया इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं या कैसे मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे थ्योरी में, क्योंकि होगा क्या ना अगर थ्योरी हम लोग करेंगे अगर उस टाइप का सवाल एज इट इज नहीं आता है तुरंत तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए सवाल पकड़ते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन, चेक द रिलेशन R is equal to AB, A is the father of B, A is the father of B, यही क्वेश्चन है, A is father of B। चलिए देखते हैं पहला इसको सॉल्यूशन करते हैं। चेक द रिलेशन R is equal to AB और A is father of B, यही क्वेश्चन है, एक बार मिला लेते हैं। हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और इसको आप एक मिनट तो सर, हाँ ठीक है, पहला चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये रिलेशन जो है कौन से रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट चेक करते हैं, चेक रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने का रूल्स था ए आर ए, ए आर ए, और यहाँ क्या जो हुआ है ए और बी ने रिलेशन बताया है, यानी कि यहाँ जो है ए आर बी इज इक्वल टू दिया है ए इज द फादर ऑफ बी, फादर ऑफ बी, ए आर बी का मतलब यहाँ पे ये बताया है, और हम रिफ्लेक्शन को चेक करने का ए आर ए है, तो इसके जगह पे जब ए आर बी का मीनिंग इतना है तो ए आर ए का मीनिंग क्या होगा, ए इज द फादर ऑफ ए। अब आपको ये दिमाग से सोचना होगा कि ये सही बातें हैं कि गलत बात है, क्या खुद खुद का पिता हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये बातें क्या है, विच इज फॉल्स, ये बातें गलत है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव में ये हो गए गलत। अब चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, चेक करना है हमें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या रूल था, ए आर बी से बी आर ए मिलना चाहिए। अब ए आर बी का मतलब क्या, ए आर बी का मतलब ए इज फादर ऑफ बी, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बी इज फादर ऑफ ए, बी इज फादर ऑफ ए। अब यहां से सोचिए कि इससे क्या मेरा ये रिजल्ट निकल सकता है, यानी कि हम ये बोले कि ए जो है बी की बी के पिता है, तो हम क्या बोल सकते हैं बी ए के पिता हो जाएंगे, नहीं ए बी के पिता है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे फादर ए हैं हम बी हैं तो बी के पिता ए हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी के पिता है, नहीं ना, तो मेरे तो वो तो हम तो उनके पुत्र हो जाएंगे। तो सेम थिंग्स इसको सही मानने पर सही नहीं हो रहा है, हमेशा लेफ्ट वाले को सही मानना ही है, और सही मानने के बाद ये देख रहे हैं कि क्या ये चीजें सही आ रही है, तो सही यहाँ पे नहीं है। ए इज द ए इज फादर, जब ए बी का पिता है तो बी ए का पिता कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी कि ये भी बात है क्या है, गलत है, विच इज फॉल्स। तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि यहाँ पे हम चेक किए तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था। अब लास्ट जब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव, चेक ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करने का रूल है ए आर बी ना बी आर सी से मेरे को मिलना चाहिए ए आर सी, ए आर बी और बी आर सी को सही मानने पर ए आर सी मेरे को मिलना चाहिए। अब ए आर बी का मतलब क्या है, ए आर बी का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी, एंड बी आर सी का मीनिंग होगा बी इज फादर ऑफ सी, फादर ऑफ सी,
यानी कि इससे रिजल्ट निकालेंगे। ए और बी का मतलब ये लिया हुआ है, तो अगर पहले आया तो इसके जगह पे पहले ए लिखा हुआ है, अगर यहाँ बी आप सीधा था तो यहाँ बी और यहाँ सी डाल दें। तो सेंटेंस क्या इससे रिजल्ट आ रहा है, ए इज फादर ऑफ सी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीजों को देखकर क्या निष्कर्ष निकाल पाते हो। जैसे हम बोले कि ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है बी का पिता है और बी जो है सी का पिता है, तो क्या हम बोल सकते हैं ए सी का पिता होगा, ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, तो ए सी का पिता कभी होगा नहीं, हो जाएंगे ग्रैंड फादर, दादा होंगे। इसलिए ए दोनों को सही मानने पे ये चीजें सही नहीं हो रही है, तो हमेशा ये क्या बोलेंगे, हमेशा लेफ्ट वाले में उसको सही मानना ही है, चाहे कैसा भी हालत है तो सही है या नहीं है। तो ये दोनों को सही मानने पे ये चीजें नहीं आ रही है, तो हम यहाँ से देखें विच इज जो कि गलत है, फॉल्स, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि तीनों नहीं है। तो कभी बोल सकते हैं कि बैलेंस होगा, कभी लाइट में नहीं होगा, एक थोड़ा सा मिस्टेक हुई मतलब कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में एक गड़बड़ हुई तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होती है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, यानी कि तीनों चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो तीनों के तीनों गलत है, इसलिए हम यहाँ रिजल्ट लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं दिस रिलेशन is neither reflexive nor symmetric nor transitive, यानी कि न ही reflexive है, न ही symmetric है और न ही transitive है, यानी कि relation न ही symmetric हुआ, न ही transitive हुआ और न ही, यानी कि ऐसे ही चेक करते हैं। चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं, हम यहाँ से सवाल थोड़ा सा चेंज करते हैं, ए इज फादर ऑफ बी के जगह पे ए इज ब्रदर ऑफ बी करते हैं, ब्रदर ऑफ बी, और फिर देखते हैं चीजें क्या क्या होती है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, पहले सॉल्यूशन में इसका चेक करेंगे, चेक रिलेशन, चेक रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव को चेक करने के दौरान मेरे को फार्मूला पता है, फार्मूला लिखा ए आर ए, अब इसको हम लोग एडिटिव पुट करेंगे, ए आर बी, यहाँ पता हुआ है कि ए और बी में कैसा रिलेशन है, तो ब्रदर का रिलेशन है, तो यहाँ लिखेंगे ए इज ब्रदर ऑफ ए। हम हमेशा बोल चुके हैं खुद खुद का रिलेशन रिलेटिव में कुछ नहीं होता, खुद खुद का भाई नहीं होगा, खुद खुद का पिता नहीं होगा, खुद खुद की बहन नहीं होगी, खुद खुद की माँ नहीं होगी, तो क्या खुद खुद की भाई कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज फॉल्स, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव को चेक कर लिया नहीं है, फटाफट काम करेंगे, चेक रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक को चेक किया जाए। इसका फॉर्मूला होता है ए आर बी टू बी आर ए, और ए आर बी का मीनिंग है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ बी, और इसका मीनिंग है बी इज ब्रदर ऑफ ए। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ए बी का भाई है तो क्या बी ए का भाई हो सकता है, बिल्कुल राइट है यार, ए बी का भाई है तो हम लोग बोल सकते हैं बी ए का भाई है, क्योंकि दोनों में रिलेशन ब्रदर का है, तो हम इसको सही मानने पे ये चीजें सही हो जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कैसी बातें हैं, तो ये सही बातें हैं, विच इज ट्रू, सो इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गई। अब चेक करा ट्रांजिटिव को चेक करा, फार्मूला लगाया ए आर बी बी आर सी, फिर होना चाहिए ए आर सी, ए दोनों को सही मानने पे ए आर सी मिलनी चाहिए। ए आर बी का मतलब क्या, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ बी, और बी आर सी का मतलब बी इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ सी, एंड ए आर सी का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ सी। अब हम बोलेंगे कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो क्या सी ए का भाई होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि रिलेशन है ब्रदर का, तो ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो सी ए का भाई होगा ही होगा। इसका मतलब ये भी बात है क्या है, विच इज ट्रू, सो इट इज ट्रांजिटिव,
तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 के लिए आप तीन फॉर्मूले रट जाओ, रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का, ट्रांजिटिव का, ए आर ए होगा रिफ्लेक्सिव, ए आर बी से बी आर ए होगा सिमेट्रिक, ए आर बी बी आर सी दोनों से अगर ए आर से मिलता है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, और तीनों अगर सही होते हैं तो नोट में हम कर लिखवा चुके हैं दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो तीनों बातें हैं, तो यहाँ पे हम लोग चेक किया यानी कि यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या लिखना पड़ेगा, दिस रिलेशन इज कौन कौन से रिलेशन है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो इस एक्सरसाइज 1.1 के लिए थ्योरी में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों चीजों को समझ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसी एक्सरसाइज की थ्योरी है वो थ्योरी को समझते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक में करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, यानी कि किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या होती है रेंज क्या होती है। चलिए पढ़ते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी क्वाड्रेंट एंड इट डिनोट्स एज डोम ऑफ आर। नेक्स्ट लिखेंगे रेंज इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एनी रिलेशन एंड क्वाड्रेंट एंड इट डिनोट्स एज रेंज ऑफ आर। इसका मतलब हुआ कि किसी भी पार्ट में जो क्वाड्रेटिक जैसे रिलेशन हम लोग ऐसे दिखाते हैं, अगर मान लिया रिलेशन है 1, 2, 4, 6, 3, 2, 9, 0 ये भी एक रिलेशन बना रहे हैं, तो इसमें हमको डोम निकालना है एंड रेंज निकालना है। तो बोला क्या कि डोमेन उसको बोलेंगे जो फर्स्ट पार्ट होगा किसी भी क्वाड्रेंट का, यानी कि ये हुआ डोमेन, ये हुआ डोमेन, ये हुआ डोमेन, ये हुआ डोमेन, तो डोम ऑफ आर बोल सकते हैं कि यहाँ डोम ऑफ आर क्या मिल रहा है 1, 2, 3 एंड 9 जो पहले क्वाड्रेंट में जो पहला पार्ट होगा उसको बोलेंगे डोमेन 1, 2, 3, 9 इसको बोलेंगे डोम ऑफ आर। लेकिन रेंज क्या होगा तो रेंज ऑफ आर जो यहाँ पे मिलेगा वो सेकेंड पार्ट होगी, यानी कि सेकेंड पार्ट कौन कौन सी है 2 है, 6 है, 2 है एंड 0 है। तो सेकेंड पार्ट में जो आएगी उसको बोलेंगे रेंज ऑफ रिलेशन, जो फर्स्ट आएगी उसको बोलेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, तो फर्स्ट पार्ट जो भी होंगे किसी भी क्वाड्रेंट का उसको बोलते हैं डोमेन, एंड रेंज होता है सेकेंड पार्ट। तो ये हुआ थ्योरी एंड। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन से। तो आप थ्योरी को ध्यान से सीख लिए होंगे तो प्रॉब्लम नहीं कभी आएगी, कभी भी नहीं आएगी प्रॉब्लम जब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो थैंक्स, फिर मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।